हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रिया शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री 12th की। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट और ये लेक्चर 4th है सॉलिड स्टेट का। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो टॉपिक होगा पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। आफ्टर देन हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में और एक्सप्लेनेशन भी हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल से। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, तो देखिए यूनिट सेल के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यूनिट सेल जो है, हम पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको इसका पैरामीटर बताऊंगी। यूनिट सेल मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि क्या होता है। यूनिट सेल जो होता है बेसिकली एक छोटी सी यूनिट होती है जिसके रिपीट करने से एक पूरा लैटिस बन जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ये 3D में होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो मैं आपको बताती हूँ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ये देखिए, ये पूरा हमने यूनिट सेल ले लिया है। हमारे एटम्स कहां कहां पर हैं? यहां, यहां, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर। तो ये पूरा हम लोगों ने ले लिया है यूनिट सेल। इस फिगर का नाम क्या है? यूनिट सेल, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई की और इसकी चौड़ाई की, इसकी विड्थ की, इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो अब हम देखते हैं। तो देखिए, इस पूरी यूनिट सेल की जो एज है, इधर से ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार थोड़ा सा, ये देखिए, ये आई होप आपको अब थोड़ा सा दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ठीक है। तो देखिए, इस पूरी लंबाई को, इस पूरी लंबाई को मैंने क्या कहा, ये अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो अगर मैं बात करूं इस एक्स एक्स की लंबाई को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए। इसको हम क्या कहेंगे, इस पूरी लंबाई को, ए। अगर मैं इस वाई एक्सिस की लंबाई को बात करूं तो इसे हम क्या कहेंगे, बी। इस जेड एक्सिस की बात करूं, इस लंबाई को हम क्या कहेंगे, सी। ठीक है, समझ में आई बात। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस की लंबाई को मैंने बोला ए, वाई एक्सिस की लंबाई को बोला बी और सी एक्सेस की, सॉरी जेड एक्सेस की लंबाई को मैंने बोला सी। तो अब देखिए, ए की, अब ये हमारी बात हो गई लेंथ की, जो इसकी लेंथ थी, एज लेंथ थी, वो क्या क्या है, ए, बी और सी, ये इसके पैरामीटर हो गया। पहला पैरामीटर क्या हुआ, जो लेंथ है वो क्या क्या है, ए है, बी है और सी है। अब दूसरा पैरामीटर होगा इसका एंगल, और एंगल कौन से होंगे, ए के जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा, बी के जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या कहलाएगा, बीटा, और सी के जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या कहलाएगा, गामा। तो कौन सा हो गया एंगल, अल्फा, बीटा, गामा, तो ये एंगल हो गए। तो यही सिर्फ जो होते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के। इसकी एज लेंथ होती है ए, बी और ए, बी और सी, और एंगल हो गए इसके अल्फा, बीटा और गामा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ए के जस्ट अपोजिट वाला एंगल अल्फा, बी के जस्ट अपोजिट वाला बीटा और सी के जस्ट अपोजिट वाला गामा। तो यही टोटल जो हो गए इसके पैरामीटर्स हो गए। ये हमें पूरी तरीके से इसका ध्यान रखना है यूनिट सेल के। अब आगे जब हम जितने टाइप की यूनिट सेल पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर जो ये पैरामीटर है ये अलग अलग होते जाएंगे या फिर ये डिफर करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्यूबिक सेल की, तो क्यूबिक सेल में क्या होता है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, और अल्फा, बीटा, गामा भी इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो हर यूनिट सेल के केसेस में
एबीसी की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, इसका डायग्राम ये रहा और ये उसके पैरामीटर रहे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल का एक्सप्लेनेशन एक बार, जो हमने पिछली बार कवर किए थे उसके नेम। यूनिट सेल कितने टाइप का होता है? मेनली दो टाइप का। पहला टाइप क्या होता है? सिंपल यूनिट सेल, जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। और दूसरा टाइप होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर हमने सेंटर्ड यूनिट सेल को तीन पार्ट में डिवाइड किया था। पहला टाइप था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड था एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आज हम उन सभी के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट सेल के टाइप से। टाइप ऑफ यूनिट सेल, हमने एक बार इसके नेम वाइज तो कल पढ़ लिया था, बट आज इसकी डिटेलिंग में हम स्टडी करेंगे। ये दो टाइप का होता है बेसिकली। पहला टाइप होता है सिंपल यूनिट सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इस सेंटर्ड यूनिट सेल को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड हो गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा रहा था, तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंपल यूनिट सेल जो होता है, हम बेसिकली आज जिस यूनिट सेल की बात करेंगे वो क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर की। तो देखिए, अगर मैं बात करूं क्यूबिक स्ट्रक्चर की, और आपको अभी जब मैं इन सबके बारे में बताऊंगी तो इससे रिलेटेड डायग्राम भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो मैं बात करूं अगर सिंपल यूनिट सेल की, तो इस केसेस में अगर हम बात करें तो कहां कहां हो सकता है। मतलब सिंपल यूनिट सेल का मतलब होता है एक ऐसा यूनिट सेल जहां पर जो एटम्स होंगे या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कहां पर होंगे? कॉर्नर्स में, ओनली क्यूब के कॉर्नर्स में। तो देखिए, हम बात करते हैं एक बार, मैं बनाती हूँ, आपको स्ट्रक्चर बना भी रही हूं मैं, और आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। देखिए, ये है, थोड़ा सा मैं इसको और सही बनाती हूं। ये देखिए, ये एक ऐसा क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक यूनिट सेल है। हम नॉर्मली क्यूबिक यूनिट सेल की ही बात करेंगे। तो सिंपल यूनिट सेल ये क्यूब कब कहलाएगा? जब इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे, देखिए कॉर्नर्स कितने होते हैं टोटल? आठ, यानी किनारे कितने होते हैं किसी क्यूब में? आठ। तो देखिए, एक तो यहां पर हो सेल एटम, सॉरी यहां पर हो, इधर हो, एक दो तीन चार और एक इधर। देखिए, सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होने चाहिए। मैंने हर कॉर्नर पे एटम रख दिया है, तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का मतलब हुआ कि एक ऐसा क्यूबिक स्ट्रक्चर, ऐसा क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट जिसके अंदर, जिसके कॉर्नर पे ही सिर्फ एटम होंगे। अगर किसी भी क्यूबिक यूनिट के या क्यूबिक यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे अगर एटम्स हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पे हैं या किनारे पर हैं, तो हम ऐसे को क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आई बात समझ में अच्छे तरीके से? इसमें कहां पर होते हैं एटम्स? ओनली
या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल लीजिए, या फिर हम बोलते हैं एटम्स ओनली एट कॉर्नर्स, एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर्स। तो इस पोजीशन पे ओनली कहां पर होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। आई समझ में? तो अब हम बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल की, और इसमें सेंटर्ड यूनिट सेल को ऑब्वियसली बात है तीन पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको भी हम वन बाय वन अभी पढ़ लेते हैं इस केसेस में। तो हमने ये तो हमारा पूरा हो गया है सिंपल यूनिट सेल का। सिंपल यूनिट सेल का आई होप समझ में आ गया हो आपको। कॉर्नर में सिर्फ एटम होंगे, और टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं टोटल एट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। देखिए सिंपल यूनिट सेल में क्या था, एटम्स कहां पर थे, कॉर्नर पे। तो जितने भी सेंटर्ड यूनिट सेल है इनके भी कॉर्नर्स में तो एटम रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ कहां पर होंगे बताती हूं मैं आपको, दोबारा एक बार डायग्राम के हिसाब से बताती हूं। देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, इसके कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे एटम्स। कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ में जितने भी इसके फेसेस हैं, फेस आप समझ रहे हो जैसे कि ये बोर्ड है, इसका ये अगर मैं देखूं तो ये इसका फेस हो गया, ये इसका फेस हो गया, और अगर पीछे से कोई देखेगा तो पीछे भी उसको उस साइड वाला फेस लगेगा, है ना। तो ये इसके जितने भी, जैसे कोई क्यूब होता है उसके सारे फेसेस पे जो है एटम होंगे। तो देखिए अगर मैं सामने से देखूं, सबसे पहले मैं इधर साइड देखती हूँ, मेरे राइट साइड, तो यहां पर भी होगा एक एटम। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा इसका स्ट्रक्चर, फिर भी मैं बना के दिखा रही हूं। यहां पर भी होगा एक एटम, यहां पर भी होगा एक एटम, इस साइड लेफ्ट साइड ये भी, ये फेस भी है इसका। चार तो ये हो गए, दो और हैं। दो कौन सा होगा, एक एक तो बोर्ड के अंदर और एक बोर्ड के बाहर, मतलब एक बोर्ड के उस साइड एक बोर्ड के इस साइड, मतलब टोटल जो फेसेस होते हैं वो छह फेसेस होते हैं। तो एक इधर और एक इधर, तो टोटल छह फेसेस होते हैं। चाहे तो मैं आपको दिखा के बता दूंगी, आपको डायग्राम में भी समझ में आ जाएगा। जैसे जो भी क्यूब होता है बेसिकली, तो उस क्यूब के ऊपर मतलब एक तो उसके चारों परत हो गई छह, मतलब छह फेसेस होते हैं आपको पता होगा, मतलब क्यूब के कितने फेसेस होते हैं छह, तो उस छह के छह फेसेस में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया है। और जो क्या बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो एटम्स होते हैं वो कहां पर सिचुएटेड होते हैं, कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, एंड कहां पर होते हैं, फेसेस पे, फेसेस पे। और टोटल फेस कितने होते हैं, टोटल फेस होते हैं छह, टोटल फेस होते हैं छह। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जैसे कि नाम से पता चलता है कॉर्नर पे तो एटम्स होंगे होंगे, साथ में क्यूब के जितने भी फेस हैं उन सभी पर ही जो है एटम्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में ही पहली जो चीज है वो तो होगी ही कि भाई सारे जो एटम्स है कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, और साथ ही बॉडी के अंदर भी होंगे। जैसे कि अगर मैं मानूं कि चौक का एक डब्बा होता है वो कैसा होता है, क्यूब के जैसा होता है, तो चौक के डब्बे के अंदर किसी ने एटम डाल दिया हो, मतलब बीचों बीच एटम के अंदर डाल दिया है और साथ में उसके कॉर्नर पे भी एटम है, तो ये किस टाइप का कहलाएगा यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बना के दिखाती हूं मैं आपको। इसके कॉर्नर्स में तो होंगे ही होंगे, एटम्स साथ में बॉडी के अंदर भी होंगे, तो मैंने बॉडी का अंदर ये मान लिया है, बॉडी के अंदर भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर कॉर्नर्स कहां पर होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स कहां होंगे, एक तो कॉर्नर्स पे होंगे एंड कहां पर होंगे, इन बॉडी, बॉडी के अंदर होंगे, और बॉडी के अंदर कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा,
सिर्फ एक ही होगा बॉडी के अंदर। तो अब बात करते हैं हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, देखिए एंड सेंटर्ड जो यूनिट सेल है इसके अंदर भी एटम्स जो होंगे या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ये कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन किसी भी दो अपोजिट फेस के मतलब दो अपोजिट फेस पर हम एटम्स अगर रख देंगे ना तो वो क्या कहलाएगी यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में तो क्या था कि सारे फेसेस में हमें एटम रखने थे, लेकिन जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है इसके अंदर कोई भी दो अपोजिट फेस के अंदर अपन को एटम्स रखने हैं या ऊपर अपन को एटम्स रखने हैं। मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। इसके कॉर्नर्स पे तो एटम्स होंगे ही होंगे, साथ ही क्या होंगे, कोई भी दो अपोजिट फेस ले लीजिए, या तो ऊपर और नीचे वाला ले लीजिए या राइट और लेफ्ट वाला ले लीजिए या फिर आगे या पीछे वाला कोई भी फोर्स ले लीजिए, लेकिन अपोजिट होना चाहिए। तो एक तो ऊपर वाला ले लिया मैंने कोई सा भी और एक नीचे वाला ले लिया इसके अपोजिट, और आप कोई सा भी ले सकते थे, मतलब आप राइट लेफ्ट वाला भी ले सकते थे, आगे और पीछे वाला भी ले सकते थे, मैंने ऊपर और नीचे वाला जो है फेस लिया है। तो ये क्या कहलाया, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कहां कहां होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर एटम्स कहां कहां होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे होंगे एंड एनी टू अपोजिट फेसेस, ये क्या होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है, आपको साथ साथ डायग्राम भी दिख रहा होगा। तो देखिए अब मैं एक बार दोबारा सबका रिवीजन करवा देती हूं। टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहले हमने लिया सिंपल यूनिट सेल और उसको बांटा दूसरे टाइप में सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में एक ऐसा यूनिट सेल जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पर ही क्या हो, एटम्स हो या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, तो हम ऐसे यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। और टोटल कितने एटम्स थे, मतलब टोटल कितने पॉइंट है इसके अंदर, कॉर्नर्स पे 8 है टोटल। बात करें सेंटर्ड यूनिट सेल की, अच्छा हाँ मैं यहाँ पर ये चीज नहीं बता रही हूँ कि टोटल एटम इसके अंदर कितने हैं, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कॉर्नर्स कितने हैं टोटल, कॉर्नर्स यहाँ पर 8 हैं। एटम्स कितने हैं इसके पूरे यूनिट सेल में वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर पूरा का पूरा एक एटम बैठा हुआ है, नहीं, मतलब इसके अंदर ऐसा मत सोचना कि भाई अगर 8 कॉर्नर्स है तो 8 के 8 एटम इसके अंदर होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। इसके बारे में हम बाद में जब हमें आगे पढ़ेंगे हम तो हम डिस्कस करेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है, जब मैं बाद में इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगी तब मैं इसके कैलकुलेशन करके बताऊंगी कि इसके अंदर कितने एटम है और कितने नहीं है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर एटम्स जो है कॉर्नर पे होते हैं और कॉर्नर टोटल कितने होते हैं 8। बात करें सेंटर्ड यूनिट सेल की, सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जितने भी क्यूब के फेसेस होते हैं उसमें भी क्या होंगे, एटम्स होंगे, और टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं टोटल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे और साथ ही साथ कहां पर होंगे, बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर कितना एटम होगा, 1। बात करें एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ कहां पर होंगे, कोई भी दो अपोजिट फेस ले लीजिए वहां पर जो है एटम्स होंगे, चाहे मैंने आप ले लीजिए टॉप और सबसे बॉटम ले सकते हो, राइट लेफ्ट ले सकते हो और फ्रंट और बैक ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो कोई भी फेसेस पे अगर ले सकते हो। दूसरा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या डिफरेंस है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में तो सारे फेसेस में हमने आइटम रख दिए थे, लेकिन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ किसी भी दो अपोजिट फेस पर ही हम रख सकते हैं आइटम, वैसा क्या कहलाएगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आई होप आपको ये जो टाइप ऑफ यूनिट सेल है समझ में आया होगा, इसकी कुछ कैलकुलेशंस है जो हम बाद में करेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है। आज हमने इतना ही पढ़ा है,
बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।